इक्वेशंस की सबसे पहले टू मेन एप्लीकेशंस है. एक है हमारे साथ टॉर्सिलीस और टॉर्सिलीस थ्योरम, और दूसरा हमारे साथ है द वेंचुरी मीटर. टॉर्सिलीस थ्योरम क्या है? व्हाट इज टॉर्सिलीस थ्योरम? टॉर्सिलीस थ्योरम और टॉर्सिलीस थ्योरम, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीस इक्वेशंस. इसके मुताबिक अगर आप ये एक कंटेनर है या एक टैंक है जिसमें आपने वाटर को लिया हुआ है या एनी फ्लूइड है इसमें, इसमें अगर आप ये इस छोटा सा होल्स है जिसकी वजह से ये पानी इससे बाहर निकलती है. अगर मैं यहां पर टू पॉइंट्स कंसिडर करूं, एक मैं लेता हूं यहां, दिस इज अ पॉइंट ए. इस पॉइंट ए पर जो फ्लूइड इस टैंक में मौजूद है उसकी स्पीड क्या है? वी वन. इस पॉइंट पर जो फ्लूइड मौजूद है उस पर प्रेशर क्या है? याद रखे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? P1. लेकिन जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट P1 पर है इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट B पर होगा. इट मींस P1 पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है और P2 और B पॉइंट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? P है. दोनों पर प्रेशर सेम है. यहां जो फ्लूइड इस टैंक से बाहर निकलता है उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या है? V2. अब मैं अगर यहां पर बर्नौलीस इक्वेशंस को अप्लाई करूं तो बर्नौलीस इक्वेशन को हम इस रीजन ए और रीजन बी पर अप्लाई करेंगे. याद रख के सबसे पहले ये V1 जो है ये इस फ्लूइड की स्पीड बहुत कम है, यानी पॉइंट ए पर फ्लूइड की स्पीड बहुत ज्यादा क्या है? कम है. और पॉइंट बी पर जहां होल है और उससे जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसकी स्पीड क्या है? वह बहुत ज्यादा है और वो स्पीड है V2. तो V1 इतना कम है किसके मुकाबले में? V2 के मुकाबले में, कि इसे हम ऑलमोस्ट जीरो के कंसिडर करते हैं. दैट V1, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या? जीरो. सिमिलरली V2 इज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट बी एंड दैट इज इक्वल टू V. तो अब हम इस दोनों रीजन्स पर बर्नौलीस इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं. बर्नौलीस इक्वेशन हमारे साथ क्या है? P प्लस वन ओवर टू रो वी स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट. सबसे पहले इस रीजन ए पर आप इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो क्या होगा? यहां प्रेशर क्या है? P1 प्लस वन ओवर टू रो, फ्लूइड की स्पीड क्या है? V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच. यहां जो इसकी हाइट है वो है h1, जहां से पानी निकलता है इसकी हाइट क्या है? h2. ये जो डिस्टेंस होगी वो किसकी इक्वल होगी? h इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू. तो इस एरिया के लिए p1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा? याले p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू. तो हमने यहां बर्नौलीस इक्वेशंस को अप्लाई किया. जैसा कि आपको मालूम है कि p1 और p2 दोनों क्या है? p की इक्वल है. तो प्रेशर और प्रेशर एक दूसरे के साथ क्या होगा? कैंसल होगा. यहां पर अगर आप देखें तो
तो मैंने आपको बताया है कि इस पॉइंट ए पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है या स्पीड है वह बहुत ज्यादा कम है, और इतना कम है v2 के मुकाबले में कि जिसे हम जीरो की कंसिडर करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन विल आल्सो बिकम्स जीरो. व्हाट वी लेफ्ट विद, वी विल लेफ्ट विद रो जी एच वन इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वेयर प्लस रो जी एच टू. ये बचेगा हमारे साथ. इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें, ये यहां लिख के हाफ रो वी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको आप अपनी जगह लिख के और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या होगा, रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू. अंडरस्टैंड? यहां पर अगर आप देखें वन ओवर टू रो वी टू स्क्वेयर, रो जी यहां पर क्या है, कॉमन है, तो रो जी इज इक्वल टू रो जी इन टू एच वन माइनस एच टू. एच वन माइनस एच टू किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एच, दैट इज वन ओवर टू. रो को आप रो के साथ कैंसिल करें, हाफ रो वी टू, हाफ वी टू की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट इज वी स्क्वेयर. ओके, v2 की जगह हम क्या लिखे, v square. So half v square is equal to g h1 minus h2 की जगह आप सिंपल क्या लिखे, h लिखे. v square क्या बन जाएगा, 2g h. Square root ले both side, that is v is equal to under the root 2g h. This is called the speed of e flux. ये वह speed है, this one, जो फ्लूइड यहां से निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी, दैट इज वी अंडर द रूट टू जी एच, अंडर रूट. अंडरस्टैंड? तो यहां पर इस फ्लूइड की जो स्पीड है वो इक्वल है वी इज इक्वल टू टू जी एच अंडर द रूट. अब आप याद रखें टॉर्सेली थ्योरम का मेन मकसद क्या है. ये जो पानी इस टैंक से निकलता है उसकी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या है, दैट इज वी इज इक्वल टू टू जी एच अंडर द रूट. अगर आप जितनी हाइट से ये पानी इस टैंक से निकलता है, अगर इतनी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करें तो वो भी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो भी इतनी स्पीड के साथ टुवर्ड्स द अर्थ मूव करेगा. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को लूं और ये मार्कर जिसकी जमीन से हाइट h है, जितनी हाइट से ये पानी इस टैंक से निकलता है, अगर इतनी हाइट के साथ मैं ये मार्कर लूं और उस मार्कर को अगर मैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फेंक दूं तो ये मार्कर भी इतनी स्पीड के साथ जमीन के करीब आएगा या जमीन की तरफ आएगा जितना या जितनी स्पीड के साथ ये फ्लूइड जमीन की तरफ आता है. अंडरस्टैंड? तो दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम. हम वो कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स सी. इस मार्कर को अगर मैं लेता हूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये तो इनिशियली रेस्ट में होगा. सिमिलरली इस मार्कर की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वह होगी v. इस मार्कर को मैंने सर्टन हाइट h से, जितनी हाइट इस फ्लूइड की है उतनी हाइट के साथ मैंने इसे फेंक दिया है, तो जमीन से इस मार्कर की डिस्टेंस क्या है, दैट इज s इज इक्वल टू h. यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. इट मीन्स 2 a इक्वल है किसकी, a एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये मार्कर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आता है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा. इसकी हाइट डिस्टेंस दैट इज h एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि ये मार्कर इनिशियली रेस्ट में था, तो इसलिए v स्क्वायर इक्वल होगा 2g h. दोनों साइड पर आप स्क्वेयर ले 2gh अंडर द रूट, हेंस फ्रूट.
जितनी स्पीड के साथ एक फ्लूइड एक टैंक से निकलता है इतनी स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट भी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव होगा. दिस इज कॉल्ड टॉर्शेलीज थ्योरम. ये क्या है? टॉर्शेलीज थ्योरम है कि जितनी स्पीड के साथ ये फ्लूइड सर्टन हाइट से इस टैंक से निकलता है इतनी फ्लूइड के साथ एक ऑब्जेक्ट भी टुवर्ड्स द अर्थ मूव होगा. सो दिस इज कॉल्ड Torcelli's theorem.